हिंदुस्तान बेधड़क न्यूज। राजस्थान में होने वाले विधानसभा चुनाव यानी 2023 के अंदर में भारतीय जनता पार्टी के यानी घाटोल विधानसभा से इस बार टिकट के अंदर में परिवर्तन कर दिया है, लेकिन पूर्व विधायक यहां पर 2018 के अंदर में करीब 4,900 वोटों से एक कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को हराकर भारतीय जनता पार्टी का कद मजबूत किया गया था। विधानसभा के अंदर में अपनी बात बेबाकी से रखते थे, लेकिन इस बार उनका टिकट काट दिया है। क्या है मामला, बात करते हैं हमारे साथ के अंदर में विधायक साहब अरिंदर जी। जी, विकास के अंदर में कमी रही या फिर किस लोगों की चापलूसी की वजह से टिकट कट गया, क्या कमी रही आखिर? देखो, विकास में तो कोई कमी नहीं रही है। विकास तो मैंने पूरा ताकत लगा करके पूरे एरिए के अंदर विकास तो पूरा किया है, चाहे वो सड़कों का मामला हो, चाहे वो हाई बाईपास का मामला हो, चाहे नगर पालिका का मामला हो, चाहे लंबे टाइम से घाटोल मुख्य आवास पे थाने की मांग थी, इसके अलावा भी कैनालों का मामला हो या मेरे पीपलकोट क्षेत्र के कुछ नॉन कमांड एरिया वहाँ पर तालाब पुराने बने हुए उनको मिट्टी निकालना, कैनाले नई बनवाना, नए तालाबों की सर्वे करवाना, एनीकट बनाना और कई जगह हैंडपम्प लगाना, पेयजल की व्यवस्था करना, ये सारा किया मैंने। तो काम में तो कोई कमी नहीं रखी है, लेकिन अब टिकट कटना, ये मैं तो इस लाइन में ही था, लेकिन टिकट कटना मैं किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, लेकिन हाईकमान ने किस हिसाब से निर्णय लिया है और हाईकमान ने पार्टी ने निर्णय लिया है वो निर्णय सर्वोपरि है। मैं भी पार्टी के साथ ही हूँ, मैं अभी भी वर्तमान में विधायक हूँ, पहले प्रधान भी रहा हूँ, सरपंच भी रहा हूँ, जिला परिषद भी रहा हूँ, तो ये पार्टी की मेहरबानी है। पार्टी ने कहीं ना कहीं मेरे को भी वेटेज तो दिया ही था और उस समय भी उस परिस्थिति में हम चुनाव जीते थे जहाँ एक तरफ मेरे सामने प्रतिद्वंदी उम्मीदवार था, वो एकदम मतलब लोगों में ये स्थिति थी कि वो संसदीय सचिव भी रहा हुआ था, दो बार विधायक भी रहा हुआ था, लेकिन पार्टी धरातल से यहाँ मजबूत है घाटोल में और आज भी धरातल पे मजबूत हो करके हाईकमान ने मान लो पूर्व सांसद आदरणीय मानशंकर जी का टिकट फाइनल किया है, तो फिर भी हम ताकत से लग करके उनको भी विजय बढ़ाएंगे। क्या लगता, देरी नहीं होगी? आज 8 टिकट मिले हो, कई दिन हो गए आज आपसे मिलने आए। ऐसा है, टिकट मिलने के बाद में कार्यकर्ता घर पे आते जाते रहते हैं, आदमी व्यस्त हो जाता है, टाइम नहीं मिलता है, क्या करो। कल भी हमारी बात हुई थी, वो आने वाले थे 9 बजे का टाइम, लेकिन कल भी कोई कार्यकर्ता आ गए, फिर मेरे को बांसवाड़ा निकलना था तो मैं बांसवाड़ा निकल गया, तो वो स्वाभाविक है कि जहाँ टिकट मिलता है वहाँ भीड़ भी होती है और कार्यकर्ताओं की बात को सुनना भी पड़ता है, नहीं तो कार्यकर्ता निराश होता है। इसीलिए हो सकता है लेट हो गए होंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आज आए थे, चाय पी के गए, हमारी बातचीत भी हुई है और मैंने कहा पूरा कंधे से कंधा मिला कर आपके साथ हूँ, पूरी टीम अपनी साथ रहेगी और सब लग के चुनाव जीतेंगे। और मैं आपको ये भी बताता हूँ, उम्मीदवार अकेला चुनाव नहीं जीतता है, अकेला कार्यकर्ता चुनाव एक नहीं जीताता, ये तो पूरी टीम भावना से सभी लगते हैं, जब जाकर के चुनाव चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो सब मिल करके करते हैं, तभी जाके वो करेंगे। चर्चा है कि हरेंद्र जी निर्दलीय से भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्या है इस पर? ऐसा है, मेरे आदत में नहीं है निर्दलीय चुनाव लड़ने की, और पार्टी के शुरू से सिपाही रहा हूँ, ईमानदारी से काम किया, अभी भी कोई बात नहीं, टिकट बदला तो क्या हुआ, लेकिन सिंबल तो हमारा वही है, तो मैं ऐसा निर्दलीय चुनाव लड़ने की कोई भावना नहीं है मेरे मन के अंदर। यूथ वोट है वो इस बार 2023 के अंदर बहुत महत्व रखता है, क्या माना जाए, यूथ को कवर कर पाएगी भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी यूथ को कवर करने के लिए देश के ताकतवर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो लोकप्रिय योजना है और जिस तरह से गरीब लोगों को ऊपर उठाने की योजना उन्होंने गाँव गरीब तक लागू की है, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो पेयजल का मामला हो, चाहे
पीएम आवास का मामला हो, चाहे सड़कों का मामला हो, चाहे फोर लेन सड़कों का मामला हो, चाहे शिक्षा में पहली बार आमूल सामूल परिवर्तन करके नए मॉडल स्कूल खोलने छात्रावास खोलने का मामला हो, ये सारी योजनाएं हैं वो यूथ के सामने रखेंगे हम, और उससे परिवर्तन होगा और यूथ भी हमारे साथ में रहेंगे। देखिए, ये थे हमारे साथ के अंदर में 2018 के अंदर में 4,900 से वोट से जीते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायक हरेंद्र जिन्ना। मैं इनका कहना है कि पार्टी एकजुट है, मैं किसी प्रकार का कोई निर्दलीय चुनाव नहीं लड़ रहा हूँ। जिस प्रकार की जो अफवाह चल रही है उस पर इन्होंने विराम लगा दिया। उन्होंने कह दिया पार्टी एकजुट है, कार्यकर्ता एकजुट है और इस बार एक बार फिर से चुनाव लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजना है उसको आम जनता तक दिखाएंगे और युद्ध अपने कब्जे में लेंगे। कैमरा पर्सन के साथ किशन सेन, सच बेधड़क के लिए बांसवाड़ा।